दोस्तों आप लोगों को बॉलीवुड के मशहूर गायक मोहम्मद रफ़ी साहब और बॉलीवुड के मशहूर गीतकार योगेश गौड़ साहब की जोड़ी तो याद ही होगा। इनकी जोड़ी ने बहुत सारी फिल्में जिनमें एक साथ काम किए हैं और आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किए हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप लोगों को पता है मोहम्मद रफ़ी साहब ने योगेश गौड़ साहब के गीत को पहली बार किस फिल्म में अपनी आवाज़ दी है? तो आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। इनकी जोड़ी को तो आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया ही है, लेकिन दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग इनकी जोड़ी की फर्स्ट हिंदी फिल्म सॉन्ग के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वैसे देखा जाए तो इनकी जोड़ी ने पहली बार एक साथ काम किया 1965 में और फिल्म का नाम है द एडवेंचरेज ऑफ रॉबिन हुड। और इस फिल्म में गीत था, गीत के बोल हैं माना मेरे हंसी सनम तू। और इस बहुत ही बेहतरीन गीत को मोहम्मद रफ़ी साहब ने जीएस कोहली साहब के संगीत में अपनी आवाज़ दी और इस गीत को योगेश गौड़ साहब ने लिखा। और इस गीत के बाद फिर क्या था दोस्तों, और बॉलीवुड में ऐसी बहुत सारी फिल्में आई जिनमें मोहम्मद रफ़ी साहब ने योगेश साहब के गीतों को अपनी आवाज़ दी। जी दोस्तों आप लोगों को 1966 की फिल्म स्पाइस इन गोवा तो याद ही होगा और इस फिल्म में गीत था, गीत के बोल हैं अजी मैंने कहा सलाम मोहब्बत तो लीजिए। और इस गीत को मोहम्मद रफ़ी साहब और मल्लिका जी ने अपनी आवाज़ दी। और इन फिल्मों के साथ ही दोस्तों एक रात, बंसी बिरजू, हनीमून, उस पार जैसी बहुत सारी फिल्में आई जिनमें मोहम्मद रफ़ी साहब ने योगेश साहब के गीतों को अपनी आवाज़ दी और आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया। और दोस्तों तकरीबन इनकी जोड़ी ने जितने भी फिल्मों में काम किए उनमें का गीत काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए थे। तो दोस्तों आप लोगों को मोहम्मद रफ़ी साहब और योगेश साहब की जोड़ी का फर्स्ट फिल्म सॉन्ग जो है वो कैसा लगा एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही बॉलीवुड से जुड़ी जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों हमारे वीडियो वॉचिंग करने के लिए।